हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो केक की रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसे बनाने के लिए ना ही हमें मैदा चाहिए और ना ही दही, ना ही कंडेंस मिल्क। बहुत ही कम सामानों में बनाकर हम घर पर ही तैयार करेंगे ये मैंगो केक की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपका भी बहुत ही अच्छा केक बनकर रेडी होगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंगो केक बनाने के लिए हमने ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सर जार। उसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। आप इसमें कोई भी मोटा या महीन वाला सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। और साथ में हम डालेंगे 1/2 कप शुगर। अब शुगर कम या ज़्यादा मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में हम 3 से 4 इलायची को खोलकर इस तरह इसका सीड्स हम डाल लेंगे और इसे हम फाइन सा पीस कर रेडी कर लेते हैं। इसे अगर नहीं पीसिएगा तो अगर आप केक काटने जाएगा तो बहुत ही भुरभुरा सा हो जाता है। तो इसे आप पीस कर ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है, ये बहुत ही अच्छे से पीस गया है। ये सूजी है तो ये पूरा बारीक तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा बारीक हो जाता है। तो अब इसे हम छान लेंगे एक छन्नी से। जब ये सूजी को हम छान लेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एयर आ जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा सा केक बनता है हमारा। तो इसे छानना ज़रूरी है। तो इसे हम अच्छे से छान लेते हैं और ये जो मोटा वाला पार्ट रह गया है उसे हम हटा लेंगे। तो सूजी और चीनी को हमने अच्छे से छान लिया है, अब इसे हम साइड रख लेते हैं। अब हम ले लेंगे मैंगो पल्प। आप इसके लिए मीठा आम का ही इस्तेमाल करिएगा। और ये हमने 1 कप आम का पल्प लिया है। आप जितना सूजी लीजिएगा उतना ही आम का पल्प भी ले लीजिएगा। और इसे हमने अच्छे से 1 चुटकी फूड कलर डालकर पीस कर रेडी कर लिया है। आप फूड कलर स्किप करना चाहते हैं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पीस किया है। अब हम ले लेते हैं जो हमने सूजी और चीनी को पीस कर रखा है, उसी में हम इस पल्प को डाल लेंगे। तो देख सकते हैं फूड कलर डालने से ये कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपका आम का कलर अच्छा है तो आप इसमें बिना फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम 1/4 कप दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम डाल लेते हैं। इसमें ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, आप थोड़ा सा ही डालिएगा। अगर बैटर आपका गीला हो जाए तो अच्छा केक नहीं बनेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ही दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम मैंगो पल्प के साथ में सूजी और चीनी को अच्छे से फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। और इसे हम रेस्ट पर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसे हमें करीब 1 से 1.5 घंटा रखना है ताकि सूजी हमारा अच्छे से फूल सके। तो इसे हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था। तो ये देख सकते हैं अच्छे से सूजी हमारा फूल गया है और ये थोड़ा सा थिक हो गया है। तो इसमें हमें ज़्यादा दूध या पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसमें हम डाल लेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल या फिर घी, या फिर आप बटर भी मेल्ट करके ले सकते हैं। आप किसी चीज़ का भी तीनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई भी स्मेल वाला ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और ये हमने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी लिया है और उसमें थोड़ा सा आटा या मैदा डस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो टूटी फ्रूटी है नीचे जाकर बैठेगा नहीं, पूरे केक में ये अच्छे से आएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये टूटी फ्रूटी डालने से केक बहुत ही अच्छा दिखता है, बच्चे लोग को बहुत ही पसंद आता है, बड़े लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे साइड रख लेते हैं और एक केक टिन लेंगे। आप कोई बाउल ले सकते हैं, कटोरा ले सकते हैं, और इसमें आप कोई बटर पेपर लगा दें या फिर इस तरह ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। तो इसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और पूरे बाउल में या फिर केक टिन में फैला देंगे। इससे क्या होगा, आपका केक जो है बहुत ही आसानी से बाहर निकल कर आ जाएगा। ये हमने केक टिन पर आटा डस्ट कर लिया है, अब इसे हम साइड रखते हैं और इसे हम ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट पर रख देते हैं। और अब हम ले लेंगे जो हमने केक का मिक्सचर बना के रखा है वो ले लेंगे, और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा।
और 1 pinch हम लेंगे सॉल्ट। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो सॉल्ट आप ज़रूर डालिएगा। अब हम एक ही डायरेक्शन में इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब हम ले लेंगे जो केक टिन को हमने डस्ट करके रखा है, उसमें हम सारे मैंगो का जो हमने मिक्सचर बना के रखा है उसे हम डाल लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में सभी को बहुत ही पसंद आता है, और घर का केक बना हुआ तो ऐसे भी अच्छा लगता ही है। और इसे हम स्पून की सहायता से अच्छे से बराबर में कर लेंगे और इसे टैप टैप कर लेंगे। और ऊपर से हम डाल लेंगे थोड़े से टूटी फ्रूटी, इससे देखने में केक बहुत ही अच्छा लगेगा। और थोड़े से हम डाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमने काजू और पिस्ता लिया है, आप इसके जगह कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हमने ऊपर में अच्छे से गार्निश कर लिया है, देख सकते हैं लुक कितना अच्छा आ रहा है। और इसे हम ओवन में 40 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक होने के लिए रख देते हैं। आप इसे कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं, तो उसे बनाने के लिए आप 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दीजिएगा, और उसके बाद इसे आप 40 से 45 मिनट तक आप बेक होने के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं या फिर इस तरह ओवन में भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये केक हमारा कितने अच्छे से फूल रहा है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे से केक जो है पक गया है, इसे बेक करते हुए 40 मिनट के करीब हो गया है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर पर मैंगो केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे देखा आपने कितना आसान है बनाना। तो इसे अब हमने निकाल लिया है बाहर, और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बेक हुआ है या फिर अभी और भी बेक होगा। तो इसे हमने एक टूथपिक से चेक किया, तो देख सकते हैं ये बहुत ही क्लीन आ रहा है, मतलब ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। ये हमारा केक जो है अच्छे से अंदर से पका हुआ है। तो अब इसे हम अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये केक को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, अब इसे हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इसे डिमोल्ड करने के लिए एक प्लेट रखा है हमने, और उसे उल्टा कर इसे हम टैप टैप करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये हमारा केक जो है बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं कितने अच्छे से फूला है। तो ये देखिए, इसे हम आपको दबा कर दिखाते हैं ये कितना फ्लफी बनकर रेडी हुआ है। ये देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और कितना टेस्टी लग रहा है, और ये फ्लफी भी बनकर बहुत ही अच्छा से रेडी हुआ है। ये कितना अच्छा जाली बना है। तो इसे अब हम काट कर दिखाते हैं ये कितना अच्छे से कट जाता है। देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी है, साथ में आप घर पे बनाए हैं तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा, और बनाना तो है ही आसान। तो एक बार आप मेरे तरीके से इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अच्छा लगे रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड में आप शेयर भी कर दीजिएगा, और एक कमेंट करिएगा आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग।